शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख शांति आनंद स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ओम शांति। वाइब्रेशन की अगली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है और क्वांटम फिजिक्स के दृष्टि से ये वाइब्रेशंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम ज्ञान लेंगे। ये भी एक रिसर्च पेपर है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। 7 things that affects your vibratory frequency from point of view of quantum physics. ध्यान से सुनिए। 7 things that affect your frequency from the point of view of quantum physics. And quantum physics के दृष्टि से, नजरिया से कुछ 7 बातें हैं जो हमारे वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है। तो कौन सी 7 बातें हैं, तो हम वन बाय वन जान के लेंगे और ये क्वांटम फिजिक्स क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि वाइब्रेशन इन क्वांटम फिजिक्स मींस दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। वाइब्रेशन इन क्वांटम फिजिक्स मींस that everything is energy, यानी सारी दुनिया एनर्जी से बनी है, सारी दुनिया। और सारी दुनिया में जो जो है, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति, सारे सजीव, सारे निर्जीव कैसे बने, एनर्जी से बने हैं। वी आर बीइंग दैट वाइब्रेट एट सर्टन फ्रीक्वेंसीज, यानी हम सभी को ने एनर्जी है, बीइंग्स है, है ना। हमने जाना था कि हम सभी कौन है, ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन यानी 5 तत्वों से बना शरीर और बीइंग यानी एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वी आर बीइंग्स दैट वाइब्रेट एट सर्टन फ्रीक्वेंसीज, ईच वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द फीलिंग्स, एंड इन दैट वाइब्रेशनल वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द वाइब्रेशन, द पॉजिटिव एंड द निगेटिव। यानी वाइब्रेशन कैसे बनते हैं, तो फीलिंग से बनते हैं, भावनाओं से बनते हैं, महसूसता से बनते हैं। फीलिंग यानी भावना। ईच वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू फीलिंग्स, ईच वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू फीलिंग, यानी जो हम फील करते हैं उससे वाइब्रेशन बनते हैं। और वो वाइब्रेशन पॉजिटिव भी रह सकते हैं, वो वाइब्रेशन निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर फीलिंग पॉजिटिव रहा तो वाइब्रेशन पॉजिटिव, अगर फीलिंग निगेटिव रहा तो वाइब्रेशन निगेटिव। एनी फीलिंग कॉजेस यू टू इमिट अ वाइब्रेशन दैट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो कौन से 7 बातें हैं, ये तो हमको हमने जान लिया कि इस दुनिया में सारा कुछ कैसे बना है, एनर्जी से बना है। एनर्जी कैसे बनती है, फीलिंग से बनती है, भावनाओं से बनती है, महसूसता से बनती है, ख्यालात से बनती है। और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है।
कैसे अगर हमारी फीलिंग पॉजिटिव है तो वाइब्रेशन पॉजिटिव बनेंगे, अगर हमारी फीलिंग निगेटिव है तो वाइब्रेशन निगेटिव बनेंगे। अभी जो सात बातें हैं उसमें से फर्स्ट है द थॉट्स यानी सोच विचार। सोच विचार ही फीलिंग को बनाते हैं ना, सोच विचार ही भावनाओं को बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि एवरी थॉट इमिट्स अ फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द इनवर्स एंड दैट फ्रीक्वेंसी रिटर्न टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी जो विचार हम क्रिएट करते हैं वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी निर्माण करते हैं और वो सारे विश्व में जाती है। हमारा हर सोच विचार वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो वाइब्रेशन सारे विश्व में जाता है और लौट के फिर हमारे पास आता है। अगर मेरे मन में खुशी के सोच विचार है तो खुशी के सोच विचार खुशी के वाइब्रेशन बनाते हैं और ये खुशी के वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते हैं और लौट के फिर मेरे पास आते हैं। तो मुझे डबल फायदा हुआ, जब मैंने एक बार क्रिएट किया तभी वो मेरा था, फायदा हो गया, और जब लौट के आया तो मेरे पास ही आया, फिर से फायदा हुआ। यानी मैंने एक बार क्रिएट किया लेकिन मुझे दो बार फायदा हुआ, ये खुशी की बात होगी। ऐसे हम दुख की बात कर सकते हैं, दुख के सोच विचार मेरे मन में आए तो दुख की फीलिंग क्रिएट हो जाएंगी, दुख के वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे और सारे विश्व में आ जाएंगे और लौट के फिर मेरे पास ही आएंगे। यानी जब मैंने दुख क्रिएट किया तब एक बार मुझे मिला और लौट के फिर मेरे पास आया तो फिर भी दोबारा मुझे मिला, यानी दो बार मिला। यानी फिर हमने सुख क्रिएट किया तो वो भी दो बार मिलता है और दुख क्रिएट किया वो भी दो बार मिलता है। तो हमारी भलाई किसमें है? सुख क्रिएट करने में है, पॉजिटिव सोच विचार करने में है। फिर सुख के है, शांति के है, शक्ति के है, प्रेम के है, आनंद के है, ऐसे जो जो पॉजिटिव सोच विचार है उतना ही हमको करना है। यानी जब क्रिएट करेंगे तब प्राप्त होगा, जब लौट के आएंगे तभी भी प्राप्त होगा, यानी हमारा फायदा हो गया। ऐसी निगेटिव इमोशन को हमने क्रिएट किया, दुख में गए, चिंता में गए, गुस्सा किया, इरिटेशन में आए, चिड़चिड़ापन में आ गए, किसके बारे में द्वेष मन में आया, किसके बारे में आयुष्य मन में आई, या ऐसे वैसे निगेटिव आए तो जब क्रिएट करेंगे तब भी मिलेंगे, विश्व में जाएंगे लौट के आएंगे फिर भी मिलेंगे, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो अभी फायदे की बात सोचनी है, प्रॉफिट की बात सोचनी है, भलाई की बात सोचनी है। दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे केवल खुश रहना है, केवल खुश रहना है। किधर भी कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर को बीमारी आ जाए फिर भी मुझे खुश रहना है, मेरे घर में ऐसा वैसा हो गया फिर भी मुझे खुश रहना है, मेरे बिजनेस में ऐसा वैसा हो गया फिर भी मुझे खुश रहना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान को खुश करेंगे तो वर्तमान भी खुश और भविष्य भी खुश हो जाएगा। तो ये सीक्रेट को, ये रहस्य को, ये राज को हमने पक्का समझ लेना है। जब पक्का समझ लेंगे, रोज रोज निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी भी रियलिटी पॉजिटिव बनती जाएंगे। हम चाहते तो है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए लेकिन जाने अनजाने में करी ऐसे देते हैं कि दुख आ जाता है। अब राज समझा है, अब विधि समझी है, तो अभी हमको करेक्शन करना है, चेक एंड चेंज। चेक करो खुद क्या सोच रहे हैं, सोचने के पहले भी सोचो कि सोच कर क्या सोच रहे हो और उसमें चेंज करो। ये के आगे कहते हैं, एवरी थॉट इमिट्स अ फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द इनवर्स
and that frequency returns towards the origin. Then in case if you have a negative thoughts of discouragement, sadness, anger, fear, all of that returns against you. फिर से लौट के हमारे पास आएगा डर है, दुख है, उलझन है, अनइजीनेस है, गुस्सा है, ये करेंगे तब मिलेगा, लौट के फिर आएगा. That is why it is so important that you take care of your quality of thoughts and learn to cultivate more and more only positive thoughts. Yani hame precaution lena hai, care leni hai ki meri quality of thought kya ho rahi hai, meri soch vichar ki quality kahan ja rahi hai, positive hai ya negative hai. Agar negative hai to immediate delete. सामने कुछ हो रहा है और मेरे में मन में आ रहे नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल डिलीट. सामने निगेटिव हो, निगेटिव के सोच विचार आए, नहीं, डिलीट. अभी क्या कल्टीवेट करना है? कल्टीवेट करना है ने बीज को बोना है, खत पानी देना है, उसका फल का आस्वाद हमें लेना है. तो पर्पसफुली कौन सा बीज बोना है? सकारात्मक, पॉजिटिव एंड ओनली पॉजिटिव. Only positive. ये practice करनी है. करने की? जब रोज मुरली हम सुनते हैं, मुरली में कितनी positive बातें रहती है ना? Positive का stock हमें मुरली में प्राप्त होता है. इसलिए मुरली कभी miss नहीं करने की है. तो पहले हमने क्या जाना? First is thoughts. Second है company. Company याने संग का रंग. ये आगे कहते, the people around you directly influence your vibrational frequency. जो हमारे आसपास जो भी व्यक्ति है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव डालती है. तो सदा चिड़चिड़ करते हैं, सदा गुस्सा करते हैं, सदा दुख में रहते हैं, इनसे हमको क्या रहना है? दूर रहना है. उनसे दूर रहना है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे वाइब्रेशन पर असर कर रही है. द पीपल अराउंड यू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. इफ यू सराउंड योर सेल्फ विथ हैप्पी, पॉजिटिव, डिटरमाइंड पीपल, यू विल ऑल्सो एंटर इन टू दैट पॉजिटिव वाइब्रेशंस. If you are surround yourself with complaining, cursing and negative people, be careful. They may decrease your frequency and create sorrow in your world. यानी जो सदा यानी तकरारी करते रहते हैं, दूसरों को दोषी देते रहते हैं, सदा झगड़े ही करते रहते हैं, सदा गॉसिप ही करते रहते हैं, फिर कहेंगे ये आपको पता है, एक देखो उनके घर में क्या हो रहा है, आपको पता है इनके पास्ट में क्या हो गया. यानी कहते हैं ना चाहड़ी करना, दूसरों को दोष देना, दूसरों की तकरार करना, पर चिंतन करना, सदा दूसरों के बारे में भला बुरा करना, रहती किसी किसी को आदत ऐसी, ऐसे इंसानों को आदत रहती है ना कभी कभी. देखो कुछ कुछ दोस्त लोगों को हमारे रहती है कि कभी भी मिलते तो यही बताते, अरे तुझे पता है क्या, ये इनके घर में ऐसा हो गया, ये ऐसा है, वो इधर गया था, वो ऐसा हो गया. यानी सारी निगेटिव बातें कहेंगे, तकरार करेंगे, दोष देते रहेंगे, वही पर चिंतन करते रहेंगे, तो ये हमारा जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको कम करते हैं, तो संग का रंग लग जाता है. तो हम चेक करेंगे आज हमारे कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो सभी चेक एंड चेंज. यानी जहां पॉजिटिविटी है वहां बिल्कुल अच्छी तरह जाना है, लेकिन जहां निगेटिव है,
वहां पर नहीं जाना है, ऐसे फ्रेंड्स में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कंपनी है वो कंपनी हमारे वाइब्रेशन पर प्रभाव डालती है, उनके निगेटिव वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को निगेटिव बनाती है, और अगर उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाती है, एक दूसरे के वाइब्रेशन एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। तो हमारे वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग हो तो जो कोई निगेटिव व्यक्ति हमारे पास आ जाए वो भी पॉजिटिव बन जाए, इतने हमारे वाइब्रेशन स्ट्रांग हो, यानी उनके निगेटिव वाइब्रेशन हमारे ऊपर काम न करे लेकिन हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके ऊपर काम करना चाहिए। ये विधि को हमको समझ लेना है। सो संग का रंग चढ़ता है, इसलिए सदा सत्संग में रहना है, सदा अच्छे लोगों में रहना है। इसीलिए ये हमारा ईश्वरी परिवार है ना, हम रोज यहाँ पर मिलते हैं, हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ सफर कर सकते हैं। सफर करना भी एक बात होती है ना, सफर में बहुत टाइम साथ में रहना पड़ता है, तो कभी कभी हम पिकनिक जाते, इधर जाते उधर जाते, किसके साथ जाते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है द म्यूजिक, जो म्यूजिक, म्यूजिक कैसे बनते हैं, सात स्वरों से बनते हैं, सारे गम पद निशा, इनसे बनते हैं। अगर म्यूजिक बहुत अच्छा हो, यानी ये सुर अगर ताल में है तो वो संगीत बन जाते हैं, ये सात सुर अगर ताल में है, सुर में है, तो उसके संगीत बनते हैं। और यही सात सुर बेसुर हो गए, एक दूसरे को छोड़कर, यानी उसमें हार्मोनी नहीं रही, तो वो म्यूजिक नहीं बनता है, वो संगीत नहीं बनता है, वो कोलाहल बन जाता है। तो वो कैसा, इसमें समझाया है, थर्ड इज द म्यूजिक। द म्यूजिक इज वेरी पावरफुल, इफ यू ओनली लिसन टू म्यूजिक दैट स्पीक्स ऑफ डेथ, सैडनेस और हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, ऑल दैट विल इंटरफेयर विथ योर वाइब्रेशंस। हम जो म्यूजिक सुनते हैं वो हमारे वाइब्रेशन में इंटरफेयर करते हैं, वाइब्रेशन में प्रभाव लाते हैं, प्रभाव डालते हैं। अगर हमने, जैसे अभी हम गीत सुनते हैं, हम सारे मेडिटेशन के गीत कितने अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए हम कौन सा म्यूजिक सुनते हैं इसके ऊपर भी हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं या हमारे वाइब्रेशन पे वो प्रभाव डालते हैं। तो कभी भी अच्छा म्यूजिक सुनना है, डिवाइन म्यूजिक सुनना है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भक्ति गीत, भक्ति संगीत, है ना, सुगम संगीत, भगवान के गीत ऐसे सुनने हैं, ऐसा म्यूजिक सुनना है, तो हमारा वाइब्रेशन बहुत अच्छे पॉजिटिव रहेंगे और हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव बन जाएंगे। तो तीन बातें हमने क्या क्या देखी आज, सोच विचार, कंपनी, संगीत, थॉट्स, कंपनी, म्यूजिक, ये तीन बातें हमने देखी। अभी तीन बातों पर हम अटेंशन रखेंगे, हमारी हर सोच पॉजिटिव हो, हमारी हर कंपनी पॉजिटिव हो, और जो भी हम सुनते हैं गीत वो भी सारे डिवाइन हो, इतना हम ख्याल रखेंगे तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएंगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे। समझा सबको, वेरी गुड। इसी के ऊपर अभी मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में झगमग करता दिव्य सितारा, ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं।
मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, प्राण ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा एनर्जी हूँ। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सारी दुनिया ही एनर्जी से बनी है। मेरे हर फीलिंग्स वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव वाइब्रेशन को बनाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव वाइब्रेशन को बनाते हैं। मेरे वाइब्रेशन पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें हैं। नंबर एक, थॉट्स सोच विचार। नंबर दो, कंपनी संग का रंग। नंबर तीन, म्यूजिक संगीत। आज से हम अटेंशन रखेंगे कि मेरी हर सोच पॉजिटिव, मेरी हर कंपनी पॉजिटिव, जो भी म्यूजिक मैं सुनूं सभी पॉजिटिव एंड डिवाइन। मेरी फीलिंग मेरे ख्यालात सब कुछ पॉजिटिव। ख्यालों को यूं खूबसूरत बनाओ।
ख्यालों को यूं खूबसूरत करूं।